भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 12 जुलाई से डोमिनिका के विंडसर पार्क में खेला जाएगा। पहले टेस्ट में शुभमन गिल को नंबर 3 पर खेलता देखा जा सकता है। इस सीरीज में रोहित शर्मा के साथ गिल की ही ओपनिंग करने की उम्मीद थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि शुभमन गिल को नंबर 3 और यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग में आजमाया जा सकता है। इसका कारण गिल के विदेशी आंकड़े भी हो सकते हैं। दरअसल घर में तो शुभमन गिल का बल्ला खूब चलता है, लेकिन विदेशी मैदानों पर उनको स्ट्रगल करते देखा गया है। ऐसे में रोहित शर्मा दूसरा विकल्प ढूंढने पर मजबूर हो सकते हैं। दरअसल शुभमन गिल इस समय तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। गिल का अब तक वनडे और T20 में तो खासा बेहतर रिकॉर्ड रहा है, लेकिन टेस्ट में वह खुद को साबित नहीं कर पाए और न ही टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने में कामयाब हुए। टेस्ट में गिल का विदेशी सरजमी पर रिकॉर्ड भी बहुत खराब है। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम मैनेजमेंट और कप्तान रोहित शर्मा शुभमन गिल की जगह युवा यशस्वी जायसवाल को मौका दे सकते हैं। आपको बता दें कि विदेशों में शुभमन गिल ने भारत के लिए अब तक कुल 8 टेस्ट मैच खेले हैं और इस दौरान उनका औसत लगभग 40 का रहा। 16 पारियों में वह मात्र एक ही शतक लगा पाए और अर्धशतक भी उनके बल्ले से सिर्फ 2 ही निकले। यह एकमात्र शतक भी शुभमन ने बांग्लादेश दौरे पर जड़ा था। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी गिल का बल्ला खामोश नजर आया था। दोनों पारियों में वह 20 का स्कोर भी पार नहीं कर सके थे। पहली पारी में उनके बल्ले से 15 गेंदों पर 13 और दूसरी पारी में 19 गेंदों पर 18 रन देखने को मिले थे। दूसरी ओर अगर बात यशस्वी जायसवाल की करें तो डोमिनिका में उनका डेब्यू पक्का नजर आ रहा है। हाल ही में उन्होंने अभ्यास मैच में एक अर्धशतक भी लगाया था। जायसवाल को भी अभी तक ओपन करते ही देखा गया है। ऐसे में हो सकता है कि कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ यशस्वी को मौका देकर एक नई शुरुआत करें और नंबर 3 पर भरोसेमंद बैटर के तौर पर चेतेश्वर पुजारा की जगह शुभमन गिल को देखा जाए। बता दें कि भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट 12 से 16 जुलाई डोमिनिका और दूसरा मुकाबला 20 से 24 जुलाई को त्रिनिदाद में खेला जाएगा।